समझ में नहीं आ रहा है, इसे काम करना चाहिए था। खैर, फिर से कोशिश करो। ठीक है, टाइम अप। चलो देखें तुमने क्या किया है। क्या कोई बता सकता है इन्होंने क्या गलती की है? मैंने एक क्लास क्यों ली? मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। इस पेरिस्कोप को आखिरी बार किसने छुआ था? एल्गार, तुम्हें पता है ना, पेरिस्कोप को कोई नहीं छू सकता। पर आंटी दी, और मुझे भी। ठीक है, I'm sorry, मैं इसे ठीक करने के लिए किसी को बुला लेता हूँ। जरा देखूँ तो इसमें ही है, मैंने यहाँ इसमें कुछ देखा था। ओ हाँ, ये वाला, इस एड के मुताबिक वो कुछ भी ठीक कर सकता है। क्या यहाँ किसी की कोई चीज खराब हो गई है? वैसे मैं कोई भी टूटी फूटी खराब हुई चीज ठीक कर सकता हूँ, चाहे कुछ भी हो, किसी से भी पूछ लो। मैं हूँ मेनियक मैकेनिक, मैं सिर्फ पागल ही, मैं मेनियक हूँ। आखिरकार यहाँ कोई तो समझदारी से बात कर रहा है। पेरिस्कोप को ठीक करो। मेरे दिमाग में एक और प्लान है, ऐसा प्लान जो उन रेंजर्स को उलझाए रखेगा पूरी तरह से। अरे यार, अब क्या हुआ? क्या हो भी गया? एक नया लेंस, एक नया अंडा, अब ये ठीक हो गया और सबकी गारंटी भी है। देखो, तुमने कहा तुम चीजें बनाते हो, क्या मेरे लिए एक बैटल वैगन बनाओगे? बस मुझे सारे पार्ट्स ला कर दे दो, फिर मैं कुछ भी बना सकता हूँ। तुम जैसे मेनियक मुझे बहुत पसंद है। तुम मुझे छू सकते हो। थैंक यू। ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है, समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करूं। बच गई। हे, क्या तुम लोग बर्क और स्कल? अगर आपकी गाड़ी हो जाए खराब तो हम उसे ले जाएंगे जनाब, कम दाम में। हम तुम्हें बस कुछ ही देर में यहाँ से ले चलेंगे एशली। ठीक है, चलो इसे पीछे लाओ। इतना काफी है? फिक्र मत करो एशली, हम ये हेडलाइट ठीक कर देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। उस कार से काम चल जाएगा। क्या ये दिन और बदतर हो सकता है? क्या क्या बात है? सुनो, तुम सब इस लड़की को उठाए रखो जब तक मैं इस रिस्क की सारी चीजें जमा ना कर लूं। मेरी कार से दूर रहो। क्या कहा? चलो उससे निपटो। चलो देखिए, पहला है ब्रेक सिस्टम। आहा, वो रहा। क्या बात है? चलो सारी चीजें मिल गई है। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। टाटा। लो, हो गया, जाने के लिए तैयार। ये तुम्हारी कार को क्या हो गया? लिफ्ट देने के लिए थैंक्स। बाय। एक और कस्टमर खुश।
तुमने ऑटो शॉप क्लास लेने की हिम्मत दिखाई है, इसलिए तुम्हारे लिए ये तोहफा। एक रेंज, काश मैं इसे इस्तेमाल करना जानती। ये एक लकी रेंच है। मुझे खुशी है कि तुमने ऑटो शॉप क्लास ली है। तुम्हें कार्स ठीक करना पसंद है? एक्चुअली मुझे पसंद नहीं है। मेरे डैड को कार्स पर काम करना पसंद है और उन्हें लगता है लड़कियों को उन पर काम नहीं करना चाहिए। मुझे बस साबित करना है कि मैं कर सकती हूँ। तुम कर सकती हो? हे, मैं तुमसे कुछ बेहतर नहीं कर रहा। मुझे नहीं लगता इसका लड़का या लड़की होने से कोई भी लेना देना है। एक और काम, वो भी अर्जेंट। अर्जेंट? मैं बताता हूँ अर्जेंट क्या है। एक मजेदार लंच जिसमें बहुत सारी मजेदार चीजें हो। दो मिल्क शेक्स प्लीज। डिवाटॉक्स को काफी स्पेयर पार्ट्स की जरूरत रही होगी। उन्होंने मेरी कार के आधे से ज्यादा पार्ट्स चुरा लिए। उसके खराब होने के बाद मैंने ठीक करने की कोशिश की पर नहीं कर पाई। हम तुम्हारी कार को पहले जैसी करने में मदद करेंगे। बहुत अच्छे मिस्टर डेका, मैंने एक कार्बोरेटर खोला था और अब इसे मैं जोड़ नहीं पा रही हूँ। हर बार इसमें से पेट्रोल लीक हो रहा है। चलो अब ध्यान से सोचो, क्या तुम दो मेटल सर्फेसेस को एक साथ ला सकती हो बिना एक पेट्रोल टैंक के? क्यों? यकीन नहीं होता कि मैं पेट्रोल टैंक भूल गई। कितनी स्टूपिड गलती है। शांत रहो, तुम्हें सब आता है। आंधे आंधे, ठीक है स्कल, अब छोड़ दे। शुरुआत तो अच्छी है पर मुझे अभी एक फ्रेम और काम करने के लिए जगह चाहिए। मिल गई। अरे वाह, क्या फ्रेम की वेल्डिंग की हुई है? गैराज कितना बड़ा है? मुझे देखने दो, देखने दो। तो क्या ख्याल है? वाओ, कमाल है, अब आपका वैगन बन गया समझो मैडम। और मुझे वो पार्ट देखने दो, चलो सारे औजार ले आओ। कितना पागल है। मुझे भेस बदल कर जाना होगा। समझ कर आराम से, आराम से, धीरे धीरे। तुम्हें किससे काम है? आपसे, मैं आपका नया स्टूडेंट हूँ। क्लास, एक नया स्टूडेंट आया है। तुम्हारा नाम क्या है बच्चे? सब मुझे जानते हैं, मैं हूँ मैनी। मैनी मैनी, हाय, मैं हूँ मैनी दोस्तों। हे, क्या हाल है? तुमसे मिलकर अच्छा लगा। एक मिनट इधर बाजू। ओह हेलो, तुम्हारे पास तो बहुत ही अच्छा रेंज है। थैंक्स। एशली, मुझे पता है तुम्हें इस क्लास में थोड़ी मुश्किल हो रही है। अगर तुम वाकई सुधारना चाहती हो तो एक्स्ट्रा वक्त क्यों नहीं बिताती यहाँ? गराज स्कूल के बाद भी खुला है। थैंक्स मिस्टर डेका। 6th पीरियड 3:30 बजे खत्म होगा। मैं उसके बाद अपने प्रोजेक्ट पर काम करने आ जाऊंगी। बिल्कुल आ जाना एशली। मिस्टर डेकर ने कहा मैं स्कूल के बाद गैराज में काम कर सकती हूँ। सच्ची? ये तो अच्छी बात है। हाँ, पता नहीं उसे कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं। बिल्कुल पड़ेगा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। सच में? ठीक है, हम साथ चलेंगे। ओके। रानी साहिबा, वो पावर रेंजर्स वापस ऑटो शॉप में जा रहे हैं। क्या मेनियाक ने बैटल वैगन का काम खत्म किया कि नहीं? नहीं किया, मुझे पता था उस पर भरोसा करना बेकार है। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है पोडो, बस उन्हें मेरे बैटल वैगन से दूर रखो। वहाँ पिराना ड्रोन्स भेजो। एमिशन सिस्टम्स का वो चैप्टर तो बिल्कुल। पिराना ड्रोन्स, इसे क्रैंकशाफ्ट से जोड़ना है और क्रैंकशाफ्ट जुड़ा। Ha 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 ha
सारे मेरे कार पार्ट्स, और अब शायद और कार पार्ट्स। मैनी, तुम क्या कर रहे हो? कौन मैं? ओ, कुछ नहीं। मेरा रेंच तुम्हारे पास है, और ये क्या है? उसके नीचे देखो, तुम खुद ही समझ जाओगे। चलो हो जाएगा वो। वो भाग रहा है। चलता हूँ बेवकूफ। कब उकार? अभी। एश्ली रुको। मैं कमाल हूँ, मैं पागल हूँ, मैं तो ये तो मेनियाक है। जस्टिन आ गया। अरे वाह, आपने हमें खबर की। आ जाओ, चलो पकड़े उसे। शायद तुम्हें कुछ रिपेयरिंग की जरूरत है। क्यों ना हम ये काम करवाए मेरे नए शैतान रेंच से। ओए बेवकूफ, वो मेरा रेंच है। लेकिन अब नहीं, अब ये रेंच मेरा है और मैं इसे इस्तेमाल करके ही रहूंगा। सॉरी, मैं भी कितना बुद्धू हूँ। अगली बार जरूर ध्यान रखूंगा कि पूरी कार तबाह हो जाए तुम्हारे साथ। मेरा तो जवाब नहीं। मुझे नहीं पकड़ पाओगे। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। क्या हुआ? वो मेरी टर्बो कार का व्हील ही खा गया। तुम ठीक हो? हाँ। अच्छा है, अब उसे पकड़ते हैं। चलो चले। बस थोड़ा सा ट्विस्ट और हो गया। ओह नो, पावर रेंजर्स, मुझे लगता है ये लड़ाई तुम लोगों को थकाने वाली है। वो क्या चीज है? पता नहीं, पर काफी बदबूदार है। अगर ये तुम्हें पसंद आया तब तो तुम्हें ये और भी पसंद आएगा। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए छोटा सा तोहफा। और तेज, हमें उसे पकड़ना ही होगा। इसे कहते हैं एक तेज एक्सेसरी। मैं सचमुच कमाल हूँ। चलता हूँ बेकार ड्राइवर। स्टोन ब्लास्टर पर वार हुआ है। काफी बुरा हाल है। अब हम क्या करें? टीजे और टैसी को हमारी जरूरत है। हम इसे ठीक करेंगे, और क्या। अब उन्हें जमीन पर लाया जाए किसी वक्त। पकड़े रहना। बाल बाल बचे। चलो अब थोड़ा टक्कर टक्कर का खेल हो जाए। यहाँ से निकलना होगा। स्टार्ट नहीं हो रही है। उस मिसाइल ने इसका पावर कम कर दिया होगा। भीड़ को बढ़ा दो। हो गया, पकड़े रहना। अरे यार, तुम्हें क्या खराबी लग रही है? शायद फ्यूल सिस्टम में गड़बड़ है। चलो देखें। फ्यूल सिस्टम कार्बोरेटर को पेट्रोल देता है। हे आशली, तुमने आज ही क्लास में कार्बोरेटर बनाया था, है ना? वो एक काम कार थी, ये कार तो एकदम ही अलग है। हाँ, पर कोशिश तो करो। हाँ, क्या हुआ दोस्तों? कार्लोस, हम मुसीबत में हैं। हमें स्टॉर्म ब्लास्टर की जरूरत है। अरे यार, स्टॉर्म ब्लास्टर काम नहीं कर रहा है, पर हम अभी आते हैं। चलो चले। तुम लोग आगे जाओ, मैं स्टॉर्म ब्लास्टर को ठीक करती हूँ। तुम कर लोगी? हाँ, कर लूंगी। चलो चलते हैं। चलो, कम ऑन आशली, तुम कर सकती हो। हम आ गए पीछे। रेडी फायर। ठीक है, इससे बात बननी चाहिए। यस, मैंने कर दिया। इसे यहाँ से चलता किया जाए। हाँ।
मुझे मेरा रेंज वापस मिल गया। थैंक्स, मैंने ठीक काम किया। उन रेंजर्स ने मेरा नया बैटल वैगन तबाह कर दिया। लॉन्च करो। तुम्हें तो पता है। की जरूरत है अभी। इन्हें एक साथ लाओ। अब मैं तुम सबको कभी भी कोई ढंग का काम किया होगा इन तीन गैलेक्सीज में। वैसे मैंने अभी अभी उसके कॉन्ट्रैक्ट में देखा है कि उसकी गारंटी 2 सेकंड में खत्म होने वाली है। क्या तुम्हारा मतलब क्या है? 2-1 खत्म। मैनियक। तो इस तरह स्टॉर्म ब्लास्टर का कार्बोरेटर भी एक नॉर्मल इंटरनल कंबशन इंजन के कार्बोरेटर जैसा ही है, पर उसके फ्यूल जेट्स कॉनिकल हैं, इसीलिए उसके वेंट्यूरी से निकल सकती है हाई वेलोसिटी स्ट्रीम। क्या वो बल्क और स्कल है? मदद चाहिए? बॉस ने कहा है कि अगर हमें 10 मिनट में कोई टोइंग का काम नहीं मिला तो वो हमें निकाल देंगे। 10 मिनट? हाँ, मुझे देखने दो क्या हुआ है। मुझे नहीं लगता कि अभी तुम ये मत कि एक लड़की ये काम नहीं कर सकती। देखूंगा। लो मिल गई प्रॉब्लम। ठीक है गर्ल, अब ट्राई करो। अब ट्राई करो। अब तुम्हें काम से नहीं निकालेंगे। जरूर निकालेंगे। पर तुम्हारे बॉस ने तुम्हें 10 मिनट दिए हैं ना? वो 10 मिनट हमें 1 घंटे पहले दिए थे। आया, मुझे इसकी जरूरत नहीं।